और ये समझ तो वाली चलता है, इसलिए यहाँ और काम कॉन्सेप्ट लागू कर देते हैं। बताइए रूट अच्छा वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर का होल पावर बराबर थ्री का पावर कोई दिक्कत। और यह हो गया आपका वन और वन यानी कि रूट टू और पावर बराबर टू का पावर। फिर अभी हम लोग सीख रहे थे जब तक एस का मान नहीं होगा पावर का मान, इसलिए और इस रूट को हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। रूट का हुआ पावर एक बटा इसको हम क्या लिखेंगे, दो का पावर एक बटा दो का पावर बोलिए ठीक है। पावर से पावर में क्या होता है, अब आ गया दो का पावर एक बाय टू बराबर टू का पावर। अब तो कौन से अब तो बेस का मान दिखाई दे रहा है और संख्या बराबर है तो क्या होगा पावर भी, यानी कि इसलिए एक बराबर कितना बोलिए जी। और अब आगे बढ़ते हैं रिजेक्ट ना कर देते हैं टू एक्स बराबर अब एक स्पीड है ला दीजिए तो क्या हुआ एक्स बराबर। अब सो खोज रहे थे नॉन जीरो सॉल्यूशन आ गया जीरो सॉल्यूशन, तो बात का जो है विपरीत हो गया। सवाल कह रहे हैं कि नॉन जीरो सॉल्यूशन खोजिए और यहाँ क्या आ गया जीरो आ गया, इसका अर्थ है सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो सवाल कह रहे हैं उसके विपरीत बात हुआ और कैसा आना चाहिए नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, अगर यहाँ क्या आ गया इसके मान जीरो आ गया इसका अर्थ है कि नो सॉल्यूशन, इक्वेशन को कोई हल नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। तो जब सॉल्यूशन नहीं हुआ इसका अर्थ नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन माने सॉल्यूशन की संख्या कितनी हो गई, मुझे बात नहीं हुआ। दोनों दो बात है कि सवाल कह रहा था कि जीरो को छोड़कर दूसरा कुछ हल आना चाहिए आ गया जीरो, इसलिए हम कहें कि सॉल्यूशन नहीं। जब सॉल्यूशन नहीं हुआ तो सॉल्यूशन की संख्या अगर सॉल्यूशन होता तो एक मान आता चाहे टू हो चाहे तीन को, तो जब सॉल्यूशन नहीं हुआ इसलिए कहा जाएगा कि नंबर ऑफ